है व्हाट इज़ अप एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं प्रिजन एस्केप। तो भाई पिछली वाली वीडियो में हमने जो है वायरस लैब से जो एस्केप कर लिया था, और वो वाली सीरीज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो है हमारी नई सीरीज चालू हो चुकी है जिसका नाम है एडवेंचर्स, और इस बार जो है हमें एयरपोर्ट से एस्केप करना है। तो अभी देखते हैं हम एयरपोर्ट से किस तरह एस्केप कर सकते हैं। तो जल्दी से जो है बिना देरी के वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है गाइस, हमारा जो गेम है यहाँ पे चालू हो चुका है। अभी हम जो है एयरपोर्ट के बाहर है, यहाँ पे हमें हैंगर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो है हमें हैंगर दिखाई दे रहा है 9 नंबर का, और कुछ सामान है। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पाइप लगा हुआ है, इसे नहीं ले सकते। एक लैडर है, ओके लैडर तो हमने ले लिए, मगर यहाँ पे जो एक गेट है ये बंद है, तो शायद से यहाँ से हमें अंदर जाना होगा। अब यहाँ पे एक डोर भी है मगर ये लॉक है, तो यहाँ पे एक लॉक दिखाई दे रहा है, ओके गाइस। तो यहाँ पे एक लॉक है मगर इसका कोड अभी हमें नहीं पता। तो अभी हमें अंदर जाने की जगह तो नहीं दिखाई दे रही, मगर हम कोड कैसे डाले अभी पता नहीं। यहाँ पे एक नोट दिखाई दे रही है मुझे, तो वहाँ तक मैं शायद पहुँच नहीं सकता। तो एक मिनट, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लैडर का यूज़ करके देखता हूँ। तो नहीं यार, लैडर तो फिर से आ गई। ठीक है ठीक है गाइस। तो अभी हम जो एक स्टाफ कंप्यूटर में रूम में आ गए। तो यहाँ पर जो है कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए, ये शायद से किसी कंप्यूटर के 3.8 GHz प्रोसेसर, 8 GB RAM, और एक है एम वीडिया ऑन बोर्ड ग्राफिक्स। तो एन वीडिया का इन्होंने जो है अल्टरनेट लिया है यहाँ पे एम वीडिया, तो कोई बात नहीं। अभी नीचे जो है कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर दिखाई दे रहे, तो शायद से मुझे लग रहा है ये नीचे का कोड है। तो ये देखिए एक ऊपर है, शायद से ये होगा 2, उसके बाद जो है ये होगा शायद से 7, 2, 7 और 5, और तीसरे नंबर पर शायद से 5 है, नहीं शायद वो 6 है, 276, और उसके बाद और भी नंबर है, भी देखना पड़ेगा। तो ये लगता है मुझे 5 डिजिट का कोड है। तो उसके बाद है 4, और उसके बाद है 8, 276 48, 276 48। एक मिनट देखते हो अभी, 276 48, नहीं आ रही, नहीं हो रहा। एक मिनट, एक था ऊपर 2 7, उसके बाद था 6 4 8। अरे ये कोड जो है गाइस ये तो 4 डिजिट का ही, मगर अभी अंदर कैसे जाए हमें नहीं पता। तो अंदर जाने की यार जगह देखनी पड़ेगी हमें। तो 4 डिजिट का कोड तो हमें चाहिए होगा। जो भी ये पजल दिख रहा है ये 5 डिजिट का है गाइस। तो शायद से मैंने नंबर तो सही डाले थे, 2 7 6 4 4, ये रहा 8, 2 7 6 4 8, नहीं यार। तो भी मुझे हिंट दिखनी पड़ेगी, मैं देखते हुए। एक मिनट यार, यहाँ पे कुछ डिजिट भी है, मगर ये जो डिजिट है कुछ धुंधले से लग रही है, मतलब इनके जो नंबर ये गायब हो चुके थे ये दिखते ट्राई करके, नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारा डोर ओपन हो चुका है यार। हमने ऐसे ही अंदाज़ा लगाया, तुक्का लगाया था, तो ये हमारा जो है सही लग गया। तो अभी जो है गाइस हमारा डोर ओपन हो चुका है, अभी हम अंदर जाकर देखते हैं क्या है। तो ठीक है, अभी हम जो ऑफिस में आ चुके हैं, तो ये लगता है एयरपोर्ट का कोई ऑफिस है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पे टेलीफोन, नीचे एक क्रोबार पड़ा हुआ है, इससे तो हमने कलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हमें एक फ्लैट वाइफ भी मिल गई है, तो ये किसी कंप्यूटर में लगानी होगी। ठीक है, तो अभी हम जो एक और रूम में आ गए, तो शायद से पहले रूम का जो हमारा पूरा सामान था ये हमने कलेक्ट कर लिया है। तो अभी देखते हैं इस रूम में क्या है। तो यहाँ पे गाइस एक कंप्यूटर है, तो इसमें हम जो है हमारे फ्लैट वाइफ लगा के देखते हैं। ठीक है, हमने तो ये लगा दिए। अभी यहाँ पे जो एक 5 डिजिट का कोड है, और गाइस जो हमें पिछला कोड मिला था तो ये शायद से इस गए, तो कोड था 2 8 2 6 4 7 और 8। तो नहीं यार, ये तो नहीं दिखा रहा। 2 6 7 4 8 था शायद, नहीं तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, फिर से जाकर देखना पड़ेगा। 13 2 ओके ओके, तो उसके बाद जो 7 था 2 के बाद, तो 2 7 6 4 8। तो शायद से हो गया, ओके गाइस। तो यहाँ पर जो मुझे फिर से एक कोड मिल गया है, 4598। तो यार ये तो बार के डोर का एक कोड था,
तो वो तो हमने कब से सॉल्व कर लिया, नहीं यार ये बाहर के डोर का नहीं है, तो ये लगता है कोई अलग सा बोर्ड है, तो भी देखना पड़ेगा ये कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे गाइज और एक डोर है इनडोर हैंगर का, तो भी देखना पड़ेगा यहाँ। तो हमें गाइज एक प्लेन मिल गया है जिसका नाम है मॉडल सी, तो इसका भी कोई यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक डोर है, तो अभी जो हमें कोड मिला था 4598, तो शायद से ये आप हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 देखना पड़ेगा कहाँ पे, ये रहा 4, ये घूम सकता है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है समथिंग गोज इन हियर, तो यहाँ पे कोई चीज़ बैठेगी सबसे पहले, तो उसे हमें ढूंढना होगा। तो अभी यहाँ पे हमें दोनों ही रूम मिले, तो एक मिनट यार यहाँ पे क्रोबार इससे ये खुल सकता है शायद। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हमें एक कार्ड मिल गई, एक कार्ड इस डोर पे लग सकता है कि ओके। तो ये जो है इस डोर पे लग गए, तो यहाँ पे हम जो है हमारे हैंगर में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा प्लेन भी, तो यहाँ पे नीचे पाइप है जो टूटा पड़ा हुआ है, और उसमें जो और उसमें से जो है फ्यूल लीक हो रहा है। तो यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें, तो यहाँ पे एक डेस्क है और उस पर जो काफ़ी इक्विपमेंट रखे हुए, चाकू और बाकी वगैरह सामान जो है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे जो है हमें एक मॉडल ए भी मिल गया है, पिछली बार जो है हमें मॉडल सी मिला था, तो यहाँ से हमें नाइफ भी मिल गया है। अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे कोई मशीन दिख रही है, एक मिनट, ये मशीन तो खुल गई है, तो इसे सर्किट हमने तो लगा दिए अभी, देखते हैं बाहर कुछ हुआ है नहीं। तो ठीक है, अभी हमने ये भी लगा दिया, एक मिनट, इसे जो है मैंने प्लग लगा दिया है, फिर देखते हैं इस पर क्या है। तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हुए कुछ 3 2 1, तो यार इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ टैप करने को दिख रहा है, तो ये 3 हो गया। अभी हमें इसके कनेक्शन देखने कि किसका कनेक्शन का है, तो अभी हमें 2 का देखना होगा, तो 2 का कनेक्शन है किस वाले खुड़ में, यार अभी दिख नहीं रहा। तो ठीक है ये रहा, तो ओके, तो ये रहेगा 1 में, और 1 का है पिंक में। तो ओके यार यहाँ पे लगता है कुछ तो हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारा एंगल खुल गया है, मगर यार अभी स्केप नहीं कर पाए हम। अभी तो हमारे पास जो है बहुत सा सामान बचा हुआ है, हमारे पास नाइफ भी है, 2 मॉडल सी है, सॉरी 2 मॉडल सी नहीं, हमारे पास 2 प्लेन के मॉडल है, एक एक ए और एक ए सी। तो इसका भी यूज़ हमें शायद से पहले तो करना होगा, और फिर उसके बाद जो है हम स्केप कर सकती। तो मुझे लग रहा है हमें प्लेन से ही स्केप करना होगा। हमारे पास जो ये प्लेन है उसका जो फ्यूल है वो भी लीक हो चुका है, तो इसे भी ठीक करना होगा हमें। तो अभी यहाँ पे और कोई चीज़ ये नहीं, हमारा एंगर का डोर तो गए जब ये खुल गए। अभी एक काम करते हैं, हम पिछले रूम में चल के देखते, तो शायद से इस रूम में और भी कुछ होगा। तो एक मिनट यार, यहाँ पे जो ये दीवार पे एक पेंटिंग दिखाई दे रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है हमारे मॉडल लग चुके हैं, तो यहाँ पे जो हमारे 2 मॉडल्स थे ए और सी, ये तो लग गए, तो हमें शायद से अभी बी चाहिए होगा, जो हमारा बीच का मॉडल है वो यहाँ से मिसिंग है। तो अभी हमें देखना है कि वो कहाँ पे। तो यार ये नाइफ का क्या यूज़ है, और यहाँ पे कुछ सामान नहीं दिखाया जा रहा। तो एक मिनट गाइस, यहाँ पे जो हमारा नाइफ था, तो इससे हमने जो ये पाइप कट कर लिया, मुझे समझ आ गया कि ये पाइप का यूज़ करना है, तो हमें जो ये पाइप है यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो नहीं यार, ओके ओके, तो हमने जो ये कट कर लिया पहले का जो लीक पाइप था, अभी ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अभी जो है हमने फ्यूल कर लिया है हमारा एरोप्लेन, तो ये शायद से अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हमें बाकी का सामान कहाँ मिल सकता है पता नहीं, क्या ड्रॉर ओपन हो सकते हैं कि नहीं यार, ये तो ओपन नहीं हो रही। तो मैंने अभी हमें देखना पड़ेगा, इस रूम में तो हम आ चुके हैं पहले भी, यार ओके, तो ये पहले वो पिछले वाला ही रूम है। तो वैसे अभी हमें बाकी का सामान कहाँ मिलेगा पता नहीं, मैंने 2 मॉडल तो लगा दिए, यहाँ पे भी कुछ लगाना होगा। यार शायद से मुझे लग रहा है हम कुछ मिस कर रहे हैं, टेलीफोन हो गया, चेयर, यहाँ पे तो इतने रूम है, यहाँ से एक जो वेंटिलेटर है उससे स्टीम निकल रही है। अभी पता नहीं गई से हमें बाकी का सामान कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, इसमें जो कोड है 4598, ये भी पता नहीं कहाँ लगेगा, शायद से ये तो वही बैठ जाएगा यहाँ पे, मगर इसमें जो चीज़ लगानी है वो हमें कहाँ मिलेगी पता नहीं। मुझे लगता है मुझे हिंट लेनी चाहिए यहाँ पे, तो हमने पेट्रोल का तो कर दिए। तो एक मिनट यहाँ पे कुछ दिखा रहे, कंट्रोल पैनल का है यहाँ पे, शायद से कंट्रोल पैनल पे कुछ दिखा रही है कि कुछ है उसके पास, तो शायद से ये तो वही कंट्रोल पैनल है। नहीं यार, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो एक मिनट गई थी, यहाँ पे जो ये मुझे कंट्रोल पैनल में से एक चीज़ मिल गई, ये लोगो आइटम, तो ऐसा जो लोगो है मैंने पीछे भी देखा है। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पहले, तो
तो ये लोगों का रहा ओके, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा लोगो ही, तो मुझे लग रहा है ऐसे बी आइटम की जगह लग सकता है। नहीं यार, ये तो बी आइटम की जगह भी नहीं लग रहा। ठीक है ठीक है, ऐसे यहाँ पे लग सकते, ठीक है, तो ये यहाँ पे लग चुका है। एक मिनट, इसे जो है हम डायल की तरफ घुमा सकते हैं, तो मुझे लगता है इस कोड को ओपन करने के लिए जो है हमें इस डायल को घुमाना पड़ेगा। तो कोड तो हमारे पास थे 4591, तो यही होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, 4 4 5 एरा 5, अभी उसके बाद हमें लगाना है 9 पे, ये रहा 9, और उसके बाद ये ओके गाइस। तो ये जो हमारा है ओपन हो चुका है, तो यहाँ से जो है हमें एक प्लेन मिल गए। तो ये गाइस ये रहा हमारा मॉडल बी। तो अभी हम जो है जल्दी से इसे इसके प्लेस पे जो है रख देते। तो ये रही हमारी पेंटिंग, तो इसे तो हमने रख दिया है। ठीक है ठीक है, यहाँ पे कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, हमें जो यहाँ पे प्लेन की मिल गई है, तो अभी शायद से हम हमारा प्लेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं हमारे हैंगर की तरफ। तो ठीक है, ये रहा हमारा प्लेन, तो ये ओपन कहाँ से होगा। तो ठीक है, ये तो ओपन हो चुका है गाइज, और अभी हम बैठ गए प्लेन से, शायद से हमारा प्लेन स्टार्ट हो चुका है। तो ओके, अभी जो हमने हमारे एयरपोर्ट से जो स्केप कर लिया है प्लेन के थ्रू। तो ठीक है गाइज, फिलहाल के इस वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आइए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।